हेलो एवरीवन, फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। गाइस, तो गाइस मैं जा रहा हूँ राइड पे। बहुत दिन बाद ये राइड नहीं जा पा रहा था, हिमालयन खराब था, तो अभी सही हो चुका है एंड वी आर गोइंग फॉर अ राइड एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गो ऑन अ राइड, सो लेट्स गो। सो गाइस, माय नेम इज बेंजामिन नाटेकर एंड वेलकम टू माय चैनल राइड विद बेंजी। सो इट्स टाइम टू लीव नाउ। और ये भाई देखो, अपना आईने में शक्ल देख रहा हीरो। सो लेट्स लीव, थैंक यू जीसस, लेट्स गो। यस, फाइनली बड़े दिनों बाद राइड पर जाना। ओहो, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। ऑलरेडी टाइम हो चुका है अभी 10:30, तो अपन निकल रहे हैं यहाँ से। होपफुली राइड बहुत सुपर्ब रहे और मज़ेदार रहे। और ये रहा मिनी कूपर एंड लुक एट दिस, लुक सुपर्ब, एकदम हैचबैक में बहुत सुपर्ब कार लगता है यार, मस्त। और कलर भी सुपर्ब है। और ये अपन पहुंच गए सायन पेट्रोल पंप। हाँ जी, टाइम टू फिल द पेट्रोल एंड देन लीव फॉर द राइड। तो गाइस, फाइनली अपने को बहुत देर बाद लाइन में खड़े रह के पेट्रोल भरने का आया, लाइन आ गया है, तो अपन पेट्रोल भराते हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। बाय द वे गाइस, पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया यार, 87, ओ माय गॉड, टू हाई। चलो भाई, अभी यहाँ से अपन यू टर्न लेंगे और सीधा हाईवे। और ये अपन आ गए गोदरेज विक्रोली। लुक एट दिस, यहाँ पर ये वेदर तो बहुत सॉर्टेड रहता है और बहुत कूल लगता है। लुक एट दिस, ओहो। बाय द वे गाइस, स्टीवन मेरे पीछे बैठा था, तो जो नागेश ने गाड़ी लाया था उसमें कुछ खराबी है उसके कारण। स्टीवन अभी जिक्सर चला रहा है और मैं अकेले हिमालयन चला रहा हूँ। और सामने अपना है नेल्सन और प्रिंस बुलेट राजा। आवाज़ सुनो, एंड वी हैव रीच्ड नाहूर। हाँ, और ये राइट साइड में गाइस वो नमक बनता है यहाँ पर। हाँ जी, और ये मेरा घर था गाइस। मैं मुलुंड में रहता था पहले 3 साल, पहले धारावी में रहता था, फिर वापस से शिफ्ट हुआ मुलुंड, फिर वापस धारावी। और ये अपन आ गए थाने। तो गाइस, ये रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग है, लेफ्ट साइड गोड़बंदर आता है और ये यहाँ पर राइट साइड में नासिक और जो भिवंडी का रास्ता लगता है। लुक एट द रोड्स गाइस, वाओ, क्या मस्त बनाया है यार। सिटी भी भारी बनाना चाहिए यार, मस्त। और ये अपन ने क्रॉस कर लिया है थाने, तो यहाँ से अपने को लेना है राइट मुमरा की ओर से जाना, क्योंकि यहाँ से भिवंडी से बहुत लंबा है, तो मुमरा के रास्ते। हाँ, और ये अपन आ गए राइट मार के। ओ वाव, नाइस। यहाँ का रोड तो बहुत भारी लग रहा है, दीज रोड्स आर अमेजिंग। ऐसे रोड्स पे गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और ये टाइम आ गया है सैडलिंग करने का, फाइनली। ऐसे रास्ते पर सैडलिंग करने का मज़ा ही अलग है। एंड ये अपन खड़े हो गए यार, लुक एट दिस रोड्स। हिमालयन नहीं होता तो मैं कैसे चला पाता। हिमालयन को यूज़ करने का सही तरीका वो है सैडलिंग। सैडलिंग करना तो बहुत अलग ही मज़े है भाई इस बाइक पे। इन लव विद दिस रोड, लुक एट द व्यू गाइस। ऐसे रोड्स पर चलाने का मज़ा अलग है। पहली बार इन रास्तों पर आया तो बहुत मस्त लग रहा है।
रोड पर भी जाना है थोड़ा बड़ा लाइव 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 ले ले तू. दिस इज हाउ आई एम राइडिंग फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर. आई कैन से आई हैव क्रॉस्ड शिलपट्टा एंड ऑल बट स्टिल ये कंटिन्यू यही ट्रैफिक चल रहा है रनिंग ट्रैफिक. ये रास्ता तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया बाबा. मुमरा तक सही था भाई इसके बाद तो कुल सत्यानाश. देखो बॉडी हो गया था डिहाइड्रेट इसके लिए रुकाना पड़ा और कुछ इंटेक जाएगा तब बॉडी सही से चलेगा और राइड भी सही से कर पाएंगे बराबर कि नहीं. गन्ने का जूस थोड़ा डिफरेंट है इसमें पाइनएप्पल डाला गया है इसका टेस्ट थोड़ा अलग है पर थोड़ा उसमें क्या लेमन डालते हैं ना ये थोड़ा क्या है पाइनएप्पल डाला है तो इसके लिए मैं फेसेस बना रहा हूँ. को लगता रहेगा कि गंदा अंदर बट अच्छा टेस्ट है. नॉट ये जो आप ये देख रहे हो ये धूप से बचने के लिए शर्ट मैं पहना हूँ. बहुत धूप है क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है. अक्टूबर चल रहा है और क्या हो रहा है भाई वेरी बैड टू सी दिस बट सो फार द राइड इज गोइंग रियली गुड. जाऊ नाही सगळं आतमध्ये लोक येतात आतमध्ये नाही जाऊ सगळं. तो गाइस हमने बहुत ट्राई किया कन्विंस करने की छोड़ दो पर माने ही नहीं यार. एक 20-25 मिनट वहां पर हमने टाइम बर्बाद किया. बट फाइनली अपन ने एक जुगाड़ू रास्ता निकाला है. ऑब्वियसली भाई इतना दूर आए तो अपने को जाना तो बनता ही है तो मैं तो पीछे नहीं हटने वाला तो अपन जा रहे हैं अभी जुगाड़ू रास्ते से एंड होपफुली वील रीच देयर. खत्म हो जाता है रास्ता इधर. रास्ता खत्म ना किधर है किधर मेरे को उधर ऊपर जाने के जा सकते हैं बाइक जाएगा किधर भाई राइट है क्या. तो गाइस अपने को जाना है गांव से होके. ये गांव है यहाँ से ही रास्ता है जो ऊपर साइड से जाता है और फुल ऑफ रोडिंग हो रहा है. ये बंदा अपने को पहुंचाने वाला है मतलब थोड़ा हेल्प करने वाला है कि कहां तक रास्ता जाता है और टोटल ऑफ राइडिंग चालू है अभी हिमालयन के साथ. इट इज़ अ ट्रैक नाउ. वहां पर जो एक रास्ता था वहां पर अलाउ नहीं कर रहे थे पुलिस लोग रोक रहे थे तो जुगाड़ू रास्ता. तो हम आ गए कई गाँव से एंटर करके और हम लोग ने रास्ता ढूंढ लिया है गांव के 2-3 बच्चे जो हमको कंपनी दे रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए. आवाज़ आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. ये देखो नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है दोस्तों. मुझे बहुत एक अलग ही फील आता है जब इन ग्रीनरी में रहता हो या कुछ भी हो जो भी ऐसे वाटरफॉल्स हो गया लेक हो गया सी हो गया बहुत ज़्यादा सुपर्ब लगता है. इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग बेटर देन सिटी. वाटर क्रॉसिंग
ए प्रिंसुलाल छोटा वाटरफॉल, आई विल टेक यू टू बड़ा वाटरफॉल। तो गाइस जाने में तो इजी लग रहा है, थोड़ा नीचे नीचे उतरने, पर जब घर वापस जाने की बारी आएगी तो तभी चढ़ने के लिए समझ जाओ और एक बड़ा इंसिडेंट हो गया। क्या? आई लॉस्ट माई बैग। मैंने दिया था किसको याद नहीं, लेकिन जब लोग ने कोई शॉप में छोड़ दिया, पता नहीं, होपफुली जाते टाइम मिले तो सही है, वरना तो लॉस है, क्योंकि उसमें कैमरा के सामान और ट्राइपॉड सबसे इम्पोर्टेंट। हाथ से ब्लॉक कर रहा हूँ अभी फ़ोन को पकड़ के। क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है?